हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की सदी में जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, जहां चांद तक स्पेसशिप जा चुका है, वहीं भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पर वहां साइंस भी इन भूत प्रेतों की बातों पर कुछ नहीं बोलता। साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी बताएंगे जहाँ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माओं के होने का दावा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेत आत्माओं का घर। ये कहानी शुरू होती है जब 2011 के नवंबर में लटोया अपने 3 बच्चे और अपनी माँ रोजा के साथ एक घर में शिफ्ट होती हैं। बच्चे काफी छोटे थे और इनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी। लटोया की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ रेंट पर रहने आई थी। ये घर 3860 लारोलिना स्ट्रीट, गैरी, इंडियाना में था। इस घर में शिफ्ट होने के बाद ही हॉन्टेड चीजें लटोया की फैमिली के साथ शुरू हो जाती हैं। लटोया का कहना है, दिसंबर के महीने की शुरुआत में एक दिन ब्लैक फ्लाइज लाखों की तादाद में लटोया के घर में घुस गई और लटोया की फैमिली को परेशान करने लगी। आप सभी को लग रहा होगा कि फ्लाइज का आना तो एक आम बात है, पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक फ्लाइज अक्सर गर्म जगह रहती हैं और अगर ठंड आ जाती है तो ये फ्लाइज गर्म जगह चली जाती हैं। लटोया नवंबर के महीने में शिफ्ट हुई थी और ये ठंड का मौसम था और दिसंबर में यहाँ ठंड और बढ़ जाती है। आसपास के सभी लोगों ने देखा कि इतनी फ्लाइज किसी के घर में नहीं गई और वो सिर्फ लटोया के घर में ही गई। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ठंड के मौसम में ऐसी फ्लाइज सरवाइव नहीं कर पाती, तो फिर कैसे ये फ्लाइज जिंदा हैं? आस पड़ोसी की मदद से लटोया और उसकी फैमिली बच गई, पर ये फ्लाइज बहुत बार वापस आई और फैमिली पर हमला किया। लटोया के मुताबिक ये फ्लाइज उनकी जान लेना चाहती थी। दिक्कत सिर्फ फ्लाइज की नहीं थी, लटोया और उसकी फैमिली को हमेशा बेसमेंट की स्टेयर्स पे कदमों की आवाज आती थी और जब वो चेक करते थे तो वहां कोई नहीं होता था। दहशत अब इस घर में बढ़ती जा रही थी क्योंकि बेसमेंट में से कभी किसी के रोने की आवाज आती थी तो कभी किसी के हंसने की, पर जो भी बेसमेंट में होता था बहुत ही ज्यादा डरावना होता था। बेसमेंट का अक्सर दरवाजा हमेशा अपने आप खुलता या बंद होता रहता था। एक रात 2 बजे जब सब सो रहे थे तो अचानक बहुत जोर से किसी के ऊपर आने की आवाज बेसमेंट से सुनाई दी और दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ। इससे तंग आकर लटोया ने बेसमेंट का दरवाजा हमेशा के लिए सील करा दिया, जो भी कुछ दिनों बाद अपने आप ही खुल गया। दहशत भरी घटनाएं अब एक एक फैमिली मेंबर के साथ होने लगी। एक दिन लटोया की माँ लिविंग रूम में आई जहाँ उन्होंने किसी को देखा और देखते ही वो गायब हो गया पर अपने पैरों के निशान छोड़ गया। इस घटना के बाद से लटोया की माँ बहुत डर गई। अब इस घर में रोज एक नई घटना लटोया की फैमिली के साथ होने लगी। एक रात को अचानक एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी लटोया और उसकी माँ को, और वो आवाज बच्चों के रूम से आ रही थी। जब लटोया उनके रूम में गई तो उन्होंने देखा कि लटोया की 12 साल की बेटी अपने बेड से बहुत ऊपर बेहोश उड़ रही थी, जिसे देखकर लटोया और उसकी माँ काफी डर गए। फिर लटोया और उसकी माँ ने बहुत प्रार्थना की कि उनकी बेटी को छोड़ दिया जाए। उसके कुछ समय बाद ही वो अपने आप नीचे आ गई। नीचे आते ही लटोया ने अपनी बच्ची को बहुत उठाया पर वो नहीं उठी। उसके बाद उसके मुंह पर पानी छिड़का। लटोया की बेटी ऐसे उठी जैसे मानो वो सो रही थी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं। अब लटोया की चिंता और बढ़ गई थी क्योंकि उनके 2 बेटे जो इतना सब होने के बाद भी नहीं उठे। बच्ची को उठाने के बाद लटोया अपने दोनों बच्चों के रूम में गई और जो वहाँ देखा वो देखकर वो दंग रह गई। वहाँ का हाल ऐसा था मानो कि कोई तूफान आया हो। उसका एक बेटा दीवार की ओर पड़ा था और उसके सर पर चोट आई थी और वो जख्मी हालत में बोला कि किसी औरत ने उसे फोर्स से दीवार की ओर फेंक दिया, और दूसरा बेटा बेड पर सर झुकाए बैठा था और धीरे धीरे रो रहा था। लटोया को लगा कि उसका दूसरा बेटा सब सच जानता होगा और डर के मारे सर झुकाकर रो रहा है।
लटोया ने पुलिस को कॉल किया और हेल्प मांगी। जब तक पुलिस आती तब तक दूसरे बेटे से बात की तो दूसरे बेटे ने सर उठाकर भारी आवाज में बोला, इट्स टाइम टू डाई एंड आई विल किल यू। इसका मतलब मरने का वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें मार दूंगा। लटोया ने जब उसकी आंखों में देखा तो बच्चे की आंखें पीछे चली गई थी। लटोया ने जल्दी अपने पहले जख्मी बेटे को उठाया और दूसरे बेटे को उस कमरे में बंद कर दिया। पुलिस के आते ही लटोया ने सारी कहानी पुलिस को बताई और पुलिस से हेल्प मांगी। पुलिस ने सबसे पहले लटोया के दूसरे बेटे को बाहर निकाला जो कमरे में बंद था। जब पुलिस उसे बचाने गई तो पुलिस ने देखा कि वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। दोनों बच्चों को पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लटोया ने सारी कहानी डॉक्टर को भी बताई। इन बातों पर ना डॉक्टर को यकीन था ना पुलिस को। तभी अचानक उसका एक बेटा दीवार पर चलने लग गया। और वो सब पुलिस और डॉक्टर ने देखा। अब ये बात तो सच थी कि लटोया ने जो भी बताया उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। और उसी तरफ दूसरा बेटा अजीब हरकतें करने लगा, आंखें ऊपर की ओर करके भारी आवाज में बोलने लगा। अब ये केस डॉक्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज को सौंप दिया। डिपार्टमेंट ने लटोया और उसकी फैमिली को उस घर को खाली कर देने की राय दी। लेकिन लटोया गरीब थी और उसके पास उस घर में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पुलिस और डॉक्टर को अब ये नॉर्मल नहीं लग रहा था और वो समझ गए थे ये सब पैरानॉर्मल है। इसलिए पुलिस ने फैमिली को एक फादर रेफर किया और फैमिली ने उस फादर से हेल्प मांगी। फादर ने सारी बातें सुनी और कंक्लूजन दिया कि लटोया और उनके दोनों बच्चों पर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करनी होगी। 3 एक्सॉर्सिज्म करने होंगे, 2 इंग्लिश लैंग्वेज में और 1 लैटिन लैंग्वेज में। उसके बाद फैमिली इन भूतों से बच सकती है। फादर के हिसाब से इस घर में बहुत सारी आत्माओं का साया था और इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करना चाहते थे। इस बीच डॉक्टर की गवाही और पुलिस की गवाही से सरकार ने लटोया की गरीबी को देखते हुए लटोया को इंडियाना पॉलिस में शिफ्ट करने का फैसला लिया। एक्सॉर्सिज्म की सारी प्रक्रिया सफल रही और लटोया और उसकी फैमिली भूतों से मुक्त हो गई। पर फादर की हालत बहुत खराब होने लग गई क्योंकि उन्होंने उन प्रेत आत्माओं को नुकसान पहुंचाया। लटोया के जाते ही वो घर सुनसान हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि उन प्रेत आत्माओं ने अपना कहर यूं ही बरकरार रखा और आसपास के लोगों को वो परेशान करने लग गए। अब यहाँ रहने वाले लोग डर में जीने लगे। लटोया के साथ हुई ये सब घटनाएं उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई और ये सब बातें विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है। साथ ही साथ एक रियल इंसिडेंट होने की वजह से इस इवेंट पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है डेमन हाउस, जो कि 16 मार्च 2018 को रिलीज हुई है। 2014 में लटोया के फैमिली के बाद जैक बगंस ने इस घर को खरीद लिया ताकि वो डेमन हाउस की शूटिंग कर सकें। The new owner is Zach Bagans. What on earth were you thinking buying this house? Jack Bagans ने भी इस घर को खरीदने के बाद ये बताया कि ये सच में बहुत मिस्टीरियस घर है, क्योंकि इस घर में रहने के बाद उन्होंने बहुत ऐसी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ২০১৬ में इस घर को सरकार के ऑर्डर पर तुड़वा दिया गया ताकि और हॉन्टेड चीजें ना हों। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं? क्या लटोया ने जो बातें बताई वो सच थी या महज एक अफवाह? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन।